आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस हिसाब से मेरे कॉलीग्स ये हाउस में ये बता रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीज्वाइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन बाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीज्वाइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है, अध्यक्ष महोदय बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। चौधरी जी, मैं आपसे विनंती करती हूँ, दो मिनट सर, जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है, बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहाँ पे करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है, और ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो सीएसआर फंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूली अगर महीने की होती होगी तो पूरे महाराष्ट्र से प्रारंभ कीजिए।